प्रसन्न कुकिंग चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर आप एक ही सब्जी खा खा के हो गए हैं बोर तो एक बार ऐसे बना के ट्राई कीजिए, कितना अच्छा लगेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली और आलू से एक सब्जी। मैंने यहाँ पे एक आलू को ऐसे बड़ा टुकड़ों में काट लिया है। मूंगफली को मैंने पहले भूंज लिया था और थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था ताकि उसका छिलका निकल जाए। उसका छिलका मैं निकाल चुकी हूँ। एक बड़ा साइज ओनियन, एक टमाटर, छोटा टुकड़ा अदरक, एक छोटी सी लहसुन लिया हूँ। मसाले बनाने के लिए हमने लिया है खड़ा मसाला, कसूरी मेथी, करी पाउडर, थोड़ा सा लिया हूँ कलर के लिए जो लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और ये तीखा के लिए थोड़ा लिया है मैंने मिर्ची पाउडर और ये एक चम्मच से कम होगा लिया हूँ मैं। मलाई क्रीम भी आप जो आता है ना मार्केट में फ्रेश क्रीम उसे भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये अवेलेबल है, सबके घर में होगा इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा राइस पाउडर, चॉपिंग कट करके ले लिया धनिया पत्ता, एक हरी मिर्ची को मैंने चॉपिंग करके कट कर लिया है, थोड़ा सा लिया हूँ मीठा सोडा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आलू और मूंगफली की रेसिपी बनाना। अब चलिए आलू, मूंगफली, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सबको मैं एक ही साथ कुकर में डाल के बॉईल कर लेती हूँ। आप चाहो तो मसाले के लिए ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को अलग से बॉईल कर सकती हो लेकिन वो ज़्यादा वक्त जाएगा इसीलिए मैं एक ही साथ बॉईल कर ले रही हूँ। सारे के सारे हमारा सामान हो जाएगा बॉईल, उसके बाद हम इसे अलग अलग के छान लेंगे, इसे अलग कर लेंगे और इसे अलग कर लेंगे, इसीलिए मैं उसे कट नहीं किया हूँ, ऐसे ही रख लिया हूँ। देखिए सबको मैंने एक ही साथ कुकर में डाल दिया। अब उसे हम एक सीटी तक पका लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आलू चिपचिपा हो जाएगा। एक सीटी तक उसका सीटी लगा के छोड़ देंगे। देखिए हमारा एक सीटी हो गया है और ये अच्छे से देखिए पक गई है। देखिए आलू कितना अच्छे से पक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मसाला भी जो बॉईल किया हुआ टमाटर, प्याज और जो अदरक लहसुन को मैंने पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे आलू मूंगफली को थोड़ा सा दूध डाल के मैंने उसे भी मिक्स बना लिया है। अब इसका बैटर बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे राइस पाउडर, चॉप करके कटा हुआ धनिया पत्ता, चॉप करके कटा हुआ एक हरी मिर्ची और जो लिया था ना हमने एक चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा आप चाहो तो स्किप कर सकते हो लेकिन इससे ना हमारा बेस थोड़ा स्पॉन्जी बनेगा, अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इसको मिला के एक बैटर बना लेंगे। अब इस बैटर में ना हम थोड़ा नमक डालेंगे, मतलब जितना हमें स्वाद के अनुसार चाहिए उतना ही नमक हम डालेंगे ताकि बेस में कोई टेस्ट की कोई खराबी ना आए। बिना नमक के टेस्ट अच्छा भी नहीं लगेगा इसलिए हमने डाल दिए। मिला जाएंगे। अब देखिए सबको मिला लिया मैंने अच्छे से, हमारा बैटर बन के हो गया तैयार। अब हम इसे एक थाली में तेल लगा लिया मैंने उस पर, इसे
डाल लेंगे। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिए, थोड़ा सा मैंने पानी ले लिए, एक कटोरी यहाँ के बैठा दूँगी, एक कटोरी बैठ गया, इसके ऊपर हम इसे रख देंगे। हमारा जो बेस है ना उसे थोड़ा स्टीम लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए, धीमी आंच में उसे छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। आप चाहो तो इसे फ्राई भी करके बना सकते हो, लेकिन मैं बिना तेल के बना रही हूँ इसीलिए उसे स्टीम दे रही हूँ, स्टीम दे के बनाऊँगी। देखिए एक तरफ हमने छोड़ दिया है, जो बेस रेडी हो रहा है हमारा, स्टीम हो रहा है। चलिए अब हम उसको, उसके लिए मसाला रेडी करते हैं। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, हम डाल देंगे खड़ा मसाला। जो मसाला लिए थे वो सबको अभी डाल देंगे। मसाला डालते वक्त ना ध्यान से गैस का फ्लेम हमेशा स्लो रखेंगे। मैंने बहुत कम तेल यूज किया है। देखिए तेल में थोड़ा सा मैंने मसाला डाल के भून लिया है, और हम डाल देंगे अपना पेस्ट। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये पहले से पका हुआ है, बॉईल कर लिया था ना, इसलिए ज़्यादा वक्त मसाला बनने में नहीं लगेगा। बहुत कम ही इसे भूजेंगे हम। अब इस पर हम डाल लेंगे मलाई। मैंने पहले भी कहा था आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप इस्तेमाल करें, नहीं तो मलाई का इस्तेमाल कर लीजिए, ये सबके घर में अवेलेबल होता है। ऐसे डालेंगे, देखिए अब हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। देखिए तेल छोड़ चुका है इसको, अब हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे बॉईल कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमारा मसाला पक गया है। अब उसको पानी डाल के हम इसका ग्रेवी बना लेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए, पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से पानी लीजिए। अब देखिए हमारा बेस बन के हो गया है तैयार। देखिए ठीक से पका है या नहीं पका है, ये देखिए अच्छे से, इसमें कोई लग नहीं रहा है ना, चिपचिपा नहीं आ रहा है ना, तो ये पक गया है। देखिए हमारा जो बेस है कितना अच्छा से रेडी हो गया था। उसे मैंने ठंडा करके ऐसे डायमंड कट कर लिया है, आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हो अपना मर्जी। ये देखिए कितना स्पंजी हुआ है, और हाथ में देखिए नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। देखिए मैं ऐसे ही ग्रेवी में डालूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा मतलब हल्का सा फ्राई कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वो ज़्यादा तेल हो जाएगा। और डिमांड आएगी इस सब्जी की। अगर मेरे वीडियो आज अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।